नमस्कार, मैं पंडित राकेश सेमवाल आज फिर अपने दर्शकों के लिए दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए सबसे पहले दैनिक पंचांग के बारे में आपको बताता हूँ। आज दिनांक 10 अप्रैल 2019 चैत्र शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि। यह तिथि 3:37 तक साय रहेगी, तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है। यह रोहिणी नक्षत्र 10:34 तक रहने वाला है, तत्पश्चात मृक्षिरा नाम नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस प्रकार बसंत ऋतु चल रही है। बुधवार का दिन है। आज का राहु काल 12:22 से लेकर 1:58 तक रहने वाला है। तो ये था आज का दैनिक पंचांग। आइए अब आपको दैनिक राशिफल के राशिफल पर ले चलता हूँ। दैनिक राशिफल में आज हम सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के बारे में आपको बताएंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन दूसरों के उदाहरण और उनका व्यवहार लेकर अगर आप बढ़ते हो, यानी कि अच्छे लोगों की संगति और अच्छे लोगों का व्यवहार जो है उसको अगर आप अपनाते हो और उनके मार्गदर्शन पर चलते हो तो आप भी उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। परंतु मेघ राशि वालों का आज गुस्सा बढ़ेगा, उनको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अपने व्यवहार को नरम रखते हो, संयम से आगे बढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होने वाला है। आपके लिए कुछ व्यक्ति व संबंध महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज आपको जो व्यक्ति मिलेंगे उनका आप आज उनसे आपका मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उनसे आपको लाभ भी होने वाला है। तो मेघ राशि वालों के लिए आज धैर्य से चलने वाला दिन है, आपके लिए दिन शुभ रहे। आइए अब अगली राशि वृषभ राशि पर चलते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार मन ही मन किसी बात को लेकर आप परेशान हो सकते हो। जो आपके मन में परेशानी चल रही है उससे आपको जूझना पड़ सकता है, तनाव आपका बढ़ सकता है। कैरियर से जुड़े हुए लक्ष्य जो आप बना रहे हो उसमें आपके लिए मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त हो सकती है। अपने कैरियर को लेकर आज आप बहुत चिंतित रहोगे, मानसिक परेशानी तनाव बढ़ सकता है और इस प्रकार वित्तीय मामलों में भी आपको आज सतर्क रहना है। यानी कि धन को आज आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है इसको आज को सोच समझकर कोई ना कोई आपको फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में अपने धन को कहीं पर लगाते हो तो आपको आज नुकसान हो सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा सोच समझकर चलने वाला है, आपका दिन शुभ रहे। आइए अगली राशि मिथुन राशि पर चलते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज जो आप सामाजिक कार्य करने का आपका जो मन में आपके प्लानिंग चल रही हैं उसमें आपको सफलता तो मिलेगी परंतु आप अपने काम में भी उलझ सकते हो। अपने काम को धैर्यपूर्वक करते हुए सारे कार्यों को निपटाएं। आप अगर आप सामाजिक कार्य में ज़्यादा रुचि रखोगे तो आज का आपका जो पर्सनल आपका अपना निजी काम है उसका बोझ आप पर बढ़ सकता है। अपने काम को साथ साथ निपटाते हुए सामाजिक कार्य भी करें, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानसिक प्रतिष्ठा तनाव बहुत अच्छा आज रहने वाला है। इस प्रकार पारिवारिक संयोग आपको आज पूर्ण रूप से मिलेगा, परंतु आपको आपका जो ध्यान है सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनको लेकर भी आप चिंता में रह सकते हो। मानसिक परेशानी तनाव आपका बढ़ सकता है। इस प्रकार सहयोगियों के व्यापार से आपका मन खिन्न हो सकता है। जो आपके सहयोगी हैं या आपके परिवार वाले हैं उनके व्यवहार से आप परेशान हो सकते हो, इसलिए परेशानी वाला दिन आज आपका व्यतीत हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, शुभ काम करते रहो तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है। आइए अब अगली राशि कर्क राशि पर चलते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो आज का दिन है सामाजिक कार्य क्षेत्र में अपने आप को परचम लहराने का बहुत अच्छा दिन आपको आ सकता है। मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप हो सकती है। किसी उच्च पदवी वाले व्यक्ति के साथ आज आपकी मुलाकात आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाली रहेगी। धन लाभ बहुत अच्छा है, मानसिक प्रतिष्ठा उत्तम बनी रहेगी। किसी कार्य में आप आज अपने धन को लगा सकते हो, धन आपको आज बहुत लाभ देने वाला है। इस प्रकार इस अपने सूझबूझ के चलते हुए आप अपनी सारी मुश्किलों को भी आज हल कर सकते हो, आपका दिन आज बहुत शुभ रहेगा। आइए अगली राशि सिंह राशि पर चलते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो आज का दिन है बहुत ज़रूरतें पूरी करने के लिए आज आपको दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। अपने कामों को पूर्ण करने के लिए, परिवार की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए आज आपको इधर उधर भागना पड़ सकता है। मानसिक परेशानी तनाव बढ़ सकता है। किसी बात को लेकर आप आज अपने अधिकारी के साथ वाद विवाद में पड़ सकते हैं। अपने मन को संयम में रखें, गुस्से को काबू में रखें, किसी भी उलझन में पड़ने की आज आपको ज़रूरत नहीं।
अगर आप इस प्रकार पढ़ते हो तो आपको परेशानी, आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। और आज सिंह राशि वाले जातकों का खर्चा भी बढ़ने का पूर्ण सहयोग बन रहा है, इसलिए संयम से चलें, अपने खर्चे पे काबू रखते हो तो निश्चय ही आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अगली राशि कन्या राशि पे चलते। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यात्रा का अधिकतर काम आप बीच में छोड़कर यात्रा में जा सकते हो। आपका यात्रा का संयोग बहुत अच्छा बन रहा है, परंतु आपके जो निजी कारोबार हैं, निजी काम हैं, उनको आप बीच में ही छोड़कर कहीं ना कहीं यात्रा पर निकल सकते हो, और उसके कारण आपके काम का बोझ बढ़ेगा और आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। परंतु आपकी समझदारी से अच्छे काम करने पर आपको लाभ मिलता रहेगा। जो आपकी सूझबूझ है, अच्छा दिमाग है, अच्छी सोच है, उन सोच को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप अपने सारे काम भी निपटा सकते हो और कोई ना कोई नई योजनाओं में आपको तरक्की मिल सकती है। यात्रा करें, शुभ लाभ होगा। इस प्रकार राजनीतिक कार्य के जो मामले हैं वह भी आज आपके सुलझ सकते हैं। अच्छे मान प्रतिष्ठा आज आपके समाज में बन सकती है। आपका दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आइए अगली राशि तुला राशि पर चलते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए जो आज का दिन है, इस प्रकार सभी रास्तों के मंजिल तक पहुंचने के आपके रास्ते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप किसी भी रास्ते पर चलते हो, जो आपने मन में अपनी मंजिल का निश्चय किया है, जो आप अपने मन में विचार कर रहे हो, उनमें आपको सफलता मिल सकती है। धन खर्च हो सकता है परंतु आपको सफलता भी मिलती रहेगी। इस प्रकार नए नए संपर्कों से आपको सावधान रहना है। चापलूस लोग आपके चारों तरफ घूमेंगे परंतु उनकी चापलूसी से आपको बचकर रहना है। नए संपर्क होंगे परंतु नए संपर्क बनाने में भी आपको सतर्कता महसूस करनी पड़े। ऐसा ना हो कि ऐसे किसी चापलूस व्यक्ति के आप झांसे में आ जाएं और अपना नुकसान कर बैठो। इसलिए सोच समझकर आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। आपके साथ धोखा भी हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यात्रा का भी संयोग, पूर्ण संयोग आज आपके जीवन में बन रहा है। आपके लिए दिन बहुत शुभ रहेगा। आइए अगली राशि वृश्चिक राशि पर चलते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन वैभव के समान, इस प्रकार आपका मानसिक प्रतिष्ठा, परिवार में आपकी इज्जत मान आज बढ़ेगी, परंतु आज आपका खर्चा भी बहुत हो सकता है। इस खर्चे को लेकर अकस्मात आप परेशान हो सकते हो। वृश्चिक राशि वालों को एक ध्यान रखना है, अचानक कोई ना कोई दुर्घटना आपके जीवन में आगे आ सकती है, जिसके लिए आप परेशान हो सकते हो। इस प्रकार अपने व्यवस्था में आपका दिन बढ़ता रहेगा, यानी कि आज सारा दिन आपका बिजी रहने वाला है, खर्चा बढ़ेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी यात्रा को आज आपको टालना होगा। परिवार के साथ रहते हुए समय व्यतीत करें, अपने कारोबार में ही इस प्रकार अपना ध्यान दें। अगर इस प्रकार कार्य करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय यह रहने वाला है। इस प्रकार वृश्चिक राशि वालों के लिए गुस्सा स्वभाव बढ़ेगा। अपने मन को संयम में रखते हुए कार्य को करें तो आपको शुभ फल देने वाला यह रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन मिला जुला सा रहेगा। आइए अगली राशि धनु राशि पर चलते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो आज का दिन है, वह व्यापार के सौदे में आज आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। नए आप इस प्रकार व्यापार के लिए जो सौदे करोगे, उसमें आपको धन के लाभ और अच्छी उन्नति के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों को आज कोई भी कार्य हाथ में लेते हो तो उसे तुरंत पूर्ण करें, आज आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। परिवार का सुख बहुत अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ने के लिए उनके रास्ते बहुत अच्छे दिखाई देंगे। कोई भी फैसला जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर करते हैं, उनको आज सफलता पूर्ण रूप से मिलने वाली है। इस प्रकार समाज में बड़ी भागीदारी से निभाते हुए आपको अच्छे अवसर भी आज प्राप्त हो सकते हैं। प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, धन भी बढ़ेगा, परंतु समाज में नई भागीदारी निभाने के लिए आज आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती। आज का दिन आपका बहुत शुभ रहने वाला है। आइए अगली राशि मकर राशि पर चलते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए तत्काल ही अचानक कोई ना कोई धन का लाभ होने वाला। कहीं पर अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या कुछ करने का विचार कर रहे हो तो उसे आज तुरंत लगाएं, घबराएं नहीं, क्योंकि आज आपको अवश्य ही लाभ मिलने वाला है। धन का लाभ तो मिलेगा, साथ में आपके जो सहयोगी हैं उनका सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से आज आपको मिलने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आय के नए नए स्त्रोत्र बनेंगे। इस प्रकार यदि आप कोई भी समझौता करने की तैयारी कर रहे हो तो आपको निश्चिंत ही उसको करना है, उसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। उलझे हुए आपके सारे कार्य निपटेंगे, विवाद विवाद से आप निकलकर आज बाहर निकलोगे, अच्छे लोगों के साथ आज आपका संपर्क होगा और आपका मान प्रतिष्ठा समाज में आज बढ़ने वाली। तो मकर राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल उनके समान रहे। तो आइए अगली राशि कुंभ राशि पर चलते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो आज का दिन है वह बहुत ही शुभ लेकर आया है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए
इस प्रकार जो मिले जुले कार्य हैं उनको करने के लिए आपको सबका सहयोग लेना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले, जिसकी उम्मीद नहीं थी वह कार्य भी आज आपके पूर्ण होंगे, सबका साथ आपके साथ मिलेगा। पत्नी के साथ रहने से आपके कई रुके हुए काम आज पूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार कोई भी काम करना हो तो तुरंत तैयार रहें। भूमि भवन संबंधी आपके जो वाद विवाद हैं, प्रॉपर्टी को लेकर जो आपकी लड़ाई झगड़े हैं, उससे भी आज आपको इस प्रकार निजात मिलने वाली है। वह विवाद भी आपके आज सुलझ सकते हैं। धन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको नए नए रास्ते आगे बढ़ने के आज प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आस्था बढ़ेगी, घर घर में कोई ना कोई धर्म कर्म कार्य आपका हो सकता है। जितने आप आज धर्म कर्म कार्य करोगे या अच्छे कामों में पैसा लगाओगे, आज आपको उतना ही लाभ मिलने वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन भी बहुत शुभ रहने वाला है। तो आइए अगली राशि मीन राशि पर चलते हैं। आज की जो अंतिम राशि मीन राशि है, मीन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार भाग्य उदय के अवसर आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाले। जो आपका आज भाग्य है, संपूर्ण आज आपका साथ देने वाला है। रुके हुए काम सब बनेंगे, नए नए मित्रों से संपर्क बन सकता है। इस प्रकार जो मानसिक परेशानी तनाव आपके कार्य को लेकर या सर्विस में आपको लेकर चल रही है, वह आज सभी समस्याएं दुविधाएं आज दूर होने वाली। धन का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस प्रकार धन प्राप्ति के साथ साथ आपको नए नए उच्च पद में आपकी प्रकार आपको परेशानियों को भी जो उच्च पद में जो व्यापारी हैं, जो उच्च पद में आपके अधिकारी हैं, उनके साथ आपका बहुत ही मित्रता के समान आज का व्यापार हो सकता है। आपको लाभ होने वाला है। इस प्रकार परेशानियां दूर हो सकती हैं। मौज मस्ती करते हुए आज आप अपने दिन को व्यतीत करोगे। धर्म कर्म काम भी कर सकते हो और आज आपकी किसी प्रियजन के साथ आपकी मुलाकात अवश्य हो सकती है। तो मीन राशि वालों के लिए यह दिन बहुत शुभ रहने वाला है। तो ये था आज की 12 राशियां। सबकी लंबी आयु और स्वस्थ लाभ को लेते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। नमस्कार।